इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज है हमारे पास फोर चैप्टर चल रहा है फोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। इसमें देखो दो पार्ट थे, एक था फर्स्ट जिसको हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद सेकंड पार्ट था इसका छोटा सा पार्ट था जिसमें तीन से चार क्वेश्चन थे 4.19, 20 एंड 4.18, 19, 17 से लेकर 17, 18, 19 एंड 20। और इसका थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट को आप छोड़ ही दें तो कोई बात नहीं है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ज़्यादा अहमियत आपने देनी है। सेकंड पार्ट में हमने मोमेंट्स फाइंड आउट करने, ये मेरे पास PDCB की बुक है। अच्छा मोमेंट्स फाइंड आउट करनी है, मोमेंट्स का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मोमेंट्स का पार्ट। अब इसमें मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, मोमेंट्स अबाउट मेन फाइंड आउट करनी है जो कि होती है हमारे पास, मोमेंट्स को हमेशा आपने एम से रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा मोमेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मे भी आपने ना देखी हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में देखें, फर्स्ट कमेंट में ही आपको मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए नीचे देखें, नीचे लिखा होगा कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में पहला ही कमेंट देखें, उसमें ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करें और आपको मोमेंट्स बनाना आ जाएंगी कि मोमेंट्स आपने राइट कैसे करनी है, बनानी कैसे है। ठीक है, जो बेसिक फार्मूलाज हम मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू को यूज़ करते हुए देखते हैं वो आपने लाजमी वीडियो देख लेनी है। अब मोमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट मीन यानी कि मोमेंट्स फ्रॉम मीन निकालनी है तो आपको पता है समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर एंड, ये फर्स्ट मोमेंट है। ठीक है, अगर सेकंड होगी इसकी पावर आप ऐसे कह सकते हैं इसकी पावर है फर्स्ट वन है, जब सेकंड मोमेंट फाइंड आउट करनी है तो इसकी पावर टू लगा देनी है, जब थर्ड करनी है तो इसकी पावर थ्री लगा देनी है। बेसिकली आपने ये समझना है हमने मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मोमेंट फाइंड आउट करते हैं एक्स माइनस एक्स बार या रेलिवेंट वेरिएबल, आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वाई माइनस वाई बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वाई माइनस वाई बार यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट मोमेंट के लिए। ठीक है, इसको आप जो सा मर्जी वेरिएबल का नाम रख दें, इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा ताकि आपको पता चल जाए, कोई भी रख सकते हैं। चलिए मैं वाई रख लेता हूँ या एक्स, कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो इसके लिए हम वाई बार पहले फाइंड आउट करते हैं, वाई बार किसके इक्वल होगा, सिंपल मीन एवरेज फार्मूला समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ वाई मैंने ऑलरेडी निकाल दिया ताकि टाइम जाया ना, वो 360 आया डिवाइड बाय एन, एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 40 आ जाएगा, कैलकुलेटर से ही मैं कर लेता हूँ ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। ओके, ये 40 आ गया है, मीन आ गया 40। अब आपने क्या करना है कि वाई में से वाई बार माइनस करना, वाई की वैल्यूज ऑलरेडी हैं, वाई बार की हमने ये निकाल ली है, वाई में से वाई बार माइनस करें, इन केस वाई में से वाई बार माइनस करना है 45 पहली ऐसे होगी माइनस 40 कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, बाकी मैं सारी इसी तरह माइनस कर देता हूँ, और 32 में से 40 निकालेंगे तो आपके पास 8 बचेंगे लेकिन माइनस के बचेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो माइनस क्योंकि माइनस की करनी रखनी है आपने, 32 माइनस 40 करेंगे तो 8 बचेंगे लेकिन माइनस के बचेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी, लेकिन आप कैलकुलेटर से बगैर ही करें तो अच्छा है, इससे टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, कंजप्शन बचेगी। 37 में से 40 माइनस करेंगे 3 आएगा लेकिन माइनस का, 40 में से निकालेंगे 6 आएगा, 39 में से 40 माइनस करेंगे 1 आएगा माइनस का, 36 में से करेंगे 4 आएगा माइनस का, 41 में से करेंगे 1 आ जाएगा, 48 में से 40 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 36 में से 40 करेंगे तो 4 आएगा लेकिन माइनस का। ठीक है, अब ये सारे को ऐड कर लेते हैं फिर हमारी फर्स्ट मोमेंट बन जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अभी इस सारे को यूज तो हमने करना नहीं, ये आपने लाजमी लिखना है, ये रफ नहीं है, ये नीड वर्क है। ओके, इसको सारे को मैं ऐड कर लेता हूँ
वाई माइनस एट माइनस थ्री प्लस सिक्स माइनस वन माइनस फोर प्लस वन प्लस एट माइनस फोर, तो ये मेरे पास आ रहा है। ये सारा आपका जो मेल मिला के ये ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो आपने कोई भी कैलकुलेशन है वो गलत की है। फाइव माइनस एट माइनस थ्री प्लस सिक्स माइनस वन माइनस फोर प्लस वन प्लस एट माइनस फोर, ठीक है, ये ज़ीरो आ रहा है। ये फर्स्ट मोमेंट आपकी ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए मीन के लिए, ठीक है। वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन, ज़ीरो डिवाइड बाई नाइन करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, फर्स्ट मोमेंट ज़ीरो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट मोमेंट वाई माइनस वाई बार, जब सेकंड मोमेंट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सेकंड मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई माइन वाई बार डिवाइड बाई एन, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर टू हो जाएगी, ठीक है, थ्री के लिए थ्री पावर हो जाएगी, बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। अब देखें इसकी पावर थी यहाँ पर वन, फर्ज करें इसकी पावर थी यहाँ पर वन और हमने करनी है टू। आप सिंपली स्केयर ही ले लें, मुरब्बा जैसे बोलते हैं, ठीक है, मुरब्बा लेंगे तो सारी माइनस की भी प्लस हो जाएंगी, जो प्लस की वो भी प्लस की ही रहेंगी। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, फाइव का स्केयर लेंगे तो 25, अगर आपको ज़ुबानी आते हैं तो बेटर है, एट का लेंगे तो 64 आ जाएगा, थ्री का लेंगे नाइन आ जाएगा, सिक्स का 36 आ जाएगा, वन का वन, फोर का 16, वन का वन, एट का 64 एंड फोर का 16, अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी सारे को काउंट कर लेते हैं, 25 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 64 प्लस 16, तो ये मेरे पास आ रहा है 232। डिवाइड बाय नाइन करेंगे तो इसको देखते हैं, डिवाइड नाइन पे करके तो ये आ रहा है 25.7777 और एंड पर 8 है। आप इसको टू या थ्री डिजिट तक फिक्स भी कर ले कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने थर्ड मोमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये जो चीज़ मैं रेज कर रहा हूँ आपने ऑलरेडी मे भी नोट कर ली होगी। थर्ड मोमेंट इसकी फाइंड आउट करनी है, देखें वाई माइनस वाई बार थर्ड करने में। अब देखिए सेकंड हमने जो निकाली है वो इसका स्केयर ही ले लिया था सिंपल, आ गई। थर्ड का भी इसी तरह से एक मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने शॉर्टकट फार्मूला के ज़रिए करनी है। एक तो ये है कि आप कैलकुलेटर से पावर तीन ले लें, ठीक है, ये और वो आपका टाइम भी कम ज़ाया होगा, ठीक है, ये देखते थे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लें और स्केयर इसकी पावर आप तीन लेकर भी इसे हल कर सकते हैं, वेरी सिंपल है वो भी। और अगर दूसरे नंबर पर एक और तरीका, आप इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इसकी पावर दो है, मैथमेटिक्स का रूल है जब बेसिस एक जैसी हो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी भी पावर एक होती है, इसकी भी एक होती है और ये हो जाती है 1+1, एक्स की हो जाती है 2 पावर, ठीक है। अगर इस पावर इसकी पावर 7 है तो इसकी आ जाएगी 7+1 और ये हो जाएगी 8, ठीक है, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसकी पावर तीन ही ले लें। कैलकुलेटर दो तरह के हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे कैलकुलेटर से लेना तो आसान ही होगा, वो आपको लेना भी आती होगी। आपने सिंपली 5 प्रेस करना है, ठीक है, मैं इसकी पावर 3 लेने लगा हूँ, इसकी 5 की, ठीक है, और इसकी पावर के लिए हमने बटन कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, यहाँ पर बटन ये वाला यूज़ करना है, 5 पावर यहाँ पर आपको मिलेगा 3, मैं इसी तरह लिखूँगा 125। इसी तरह जब मैं लूँगा इसकी पावर 8 की पावर 3, मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि
इसे जल्दी से सोल्व हो जाए। इसके आ जाएगी 5 12, 3 की 3 आ जाएगी 27, 6 की 3 करेंगे 216 आ जाएगी, 1 की 3 करेंगे तो 1 रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा, ये आपने बात याद रखनी है। इसकी 3 लेंगे तो ये भी माइनस की रहेगी, इसकी 3 लेंगे तो ये भी माइनस की, जो माइनस की वो माइनस की ही रहेगी। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आप पावर लेते हुए साथ माइनस लगा देते हैं तो भी पावर में आपका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। अब नेक्स्ट इसकी कर लेते हैं 4 की, 4 की पावर 3 कर लेते हैं, 64 आएगा लेकिन माइनस का, 1 की 3 करेंगे 1, और 8 की हमने पहले ही पावर 3 लेके देख लिए तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 4 की भी देख लिए, वो है 64, ठीक है। जो चीज़ें आपने पहले की हैं वो सेकेंड टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, 125 - 5 12 - 27 +216 - 1 - 64 + 1 - 64, ये मेरे पास आ रहा है 186। अभी इसको M3 फाइंड आउट करनी है हमने, इसका फॉर्मूला बनेगा y - y bar power 3 / n, इसका आंसर कितना है हमारा 186, और जो प्लस का है / n करेंगे 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 20.6666 and 7, ठीक है। 2 या 3 डिजिट तक आप कैलकुलेटर को भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है ये, इसकी मोमेंट थर्ड फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है, जितनी मुझे जगह चाहिए। थर्ड या फोर्थ फाइंड आउट करें, y - y, इसकी पावर लेंगे 4। अब इसकी पावर या तो आप 4 ले लें, इसके दो काम हो सकते हैं, या इसकी पावर 4 ले लें या फिर इसका स्केल ले लें, ठीक है। इसका स्केल ले लें या, यानी क्योंकि जब आप एक्स का, एक्स की 2 है ना, तो इसका फिर स्केल लेंगे तो इसकी एक्स की 4 हो जाएगी, यही हमें चाहिए। फर्ज करें ये सारा एक्स था, एक्स की पावर 2 है तो 2 और लेंगे तो 4 हो जाएगी, या इसका स्केयर ले लें यानी कि इसकी पावर 2 ले लें, या इसकी पावर 4 ले लें, ठीक है। अगर सिंपल एक्स है तो उसकी पावर 4 लेंगे तो वो भी एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको प्रेफर करूँगा आप इसकी पावर 4 ले लें, ठीक है। हमारी पावर 4 ली मैंने तो ये 625 आ गया, फिर 8 की पावर 4 ली, और ये सारा ऐड में आ जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पर पावरें ली 3 3, तो ये माइनस का होते गए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, जब इसकी पावर ओड होगी तो माइनस का जो है वो माइनस का ही रहेगा। बेसिकली होता क्या है, पावर होती है हमारे पास, अगर एक्स की पावर 3 है तो इसका मतलब है एक्स दरबे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, या वाई है जो भी वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये अगर इसकी पावर 7 है या 5 है तो ये वाई 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 हो जाएगा, 5 मरतबा हो जाएगा। अब इसका भी आपने इसी तरह से देखना है, इसकी पावर जो है हम 5 ले रहे हैं, इसकी पावर लेनी है हमने 4, और बेसिकली यहाँ पर अगर माइनस का है, इसकी पावर आप लेनी माइनस के वाई की पावर लेनी है 5, तो क्या होगा, माइनस की पावर वाई, वाई की पावर लेंगे 5, माइनस का वाई माइनस का वाई माइनस का वाई माइनस का वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस का वाई। अब ये वाला माइनस जो है इस माइनस को ख़त्म कर देगा तो ये प्लस के हो जाएंगे, फिर इस माइनस को ये वाली माइनस खत्म कर देगी, ये भी प्लस के हो जाएंगे। अब एक और माइनस बच जाएगी जो सबको माइनस का बना देगी। लेकिन अगर इसी तरह हम अगर बात करें, इसकी पावर अगर 4 हो, यहाँ पर थी पावर 5 पहले, ठीक है, अगर इसकी पावर 4 होती तो हमने 4 लगाने थे, 1 2 3 4, इसकी पावर इसके साथ, इसकी ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जानी थी, और ये भी प्लस, और
जवाब जो है प्लस में आना था। इसी तरह हम इस रूल को फॉलो करते हैं जब इसकी पावर जो है वो इवन आ जाती है। अब इसकी पावर चार चार लेते रहेंगे, 40, 96 आ गया, 3 की पावर 4 लेंगे तो 81 आ गया, 6 की लेंगे तो 12, 96 आ गया, उसके बाद 1 की लेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 की लेंगे तो ये आपके पास आएगा 256, 1 की लेंगे तो 1 ही रहेगा, 8 की हमने पहले ले लिए, बार बार लिखने की ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 की लेंगे, 4 की हमने पहले भी लिए 256 आई थी, ठीक है, जो चीज़ें पहले हम यूज़ कर रहे हैं वो बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। ये नेक्स्ट इसको ऐड करते हैं, 6 × 5 + 40 + 86 + 81 + 12 = 96 + 1 + 256 + 1 + 40 = 96 + 256, तो ये मेरे पास आ रहा है 10, 7 और 8। अब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे फोर्थ मोमेंट के लिए, अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, फोर्थ मोमेंट होगी अबाउट मीन।